ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। शासन माता के देवलोक गमन से संपूर्ण तेरापंथ समाज शोकाकुल है। सबसे अधिक दुखी है उनसे जुड़ी हुई साध्वी वृंद, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के कुछ काल उनके साथ बिताए हैं। तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा, जिन्हें शासन माता कहा जाता है, साध्वी कनक प्रभा जी का असामयिक निधन गत दिनों दिल्ली में हो गया था। उनके बारे में प्रातःकाल लाइव ने आचार्य महाश्रवण की विदुषी शिष्या साध्वी राकेश कुमारी जी से बात की। कांदीवली तेरापंथ भवन में विराजित साध्वी श्री ने शासन माता के बारे में क्या कुछ कहा, उसे आपको भी जानना चाहिए। परम श्रद्धास्पद आचार्य महाश्रवण जी के चरणों में वंदना, शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदना। आज मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज से लगभग 50 साल से ऊपर का समय निकल चुका है, साध्वी प्रमुखा पद के सुशोभित करते हुए आचार्य श्री तुलसी ने विक्रम संवत 2028 में साध्वी प्रमुखा पद पर गंगा शहर की पावन धरा पर आपको प्रतिष्ठित किया। उस समय आपकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी और वही उसी समय 17 दिन बाद मां सुदी पूनम को मेरी दीक्षा हुई थी। मेरा केस वंचन साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी कनक प्रभा जी के कर कमलों द्वारा हुआ। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपके कर कमलों द्वारा मेरा प्रथम केस लुंचन हुआ, जिससे मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा मिली, ओज आहार मिला और आपने ऐसी ऊर्जा मेरे में संप्रेषित की जिससे मेरे जीवन का विकास अध्यात्म की ओर होता गया। 50 वर्षों का काल बहुत लंबा स्वर्णिम अवसर होता है। उस स्वर्णिम अवसर में आप में अनेक विशेषताएं थी, विशेषताओं का संगम अक्षय पुंज था आपका जीवन। चाहे छोटा आए, चाहे बड़ा आए, चाहे नेता आए, सीधा संपर्क साधते, बड़ी अमीय दृष्टि से उनको बतलाते और उनके मन की समस्याओं को समाधायक बन करके सुलझाते। और आपने तेरापंथ धर्म संघ की जो सार संभाल की और साध्वी विकास के लिए जो गंगा की गंगोत्री बहाई, वो विलक्षण है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।